तो जो भी बहनें आई हुई हैं सेशन के लिए उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि नवरात्रि शुरू हुई है और आज संडे भी है, उसके ऊपर भी आप लोगों ने टाइम निकाला। और आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन का तो वेलफेयर सोच ही रहे हैं, साथ ही साथ अपना अपने परिवार का अपना बिजनेस को कितना अच्छे से कर सकते हैं उसके ऊपर आप लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। तो लास्ट टाइम भी हम मिले थे, बात हुई थी, और उस टाइम पे हम गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, राशन कार्ड के ऊपर, दूसरे चीजों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज का जो सेशन रहेगा उस पे हम मोस्टली इसी पे डिस्कशन करेंगे कि अभी सब आप ऑलरेडी ब्यूटीपलर्स हैं, आपने अपना सैलून चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं या कोई दूसरा कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें जो डाइवर्सिफिकेशन जो कहते हैं या फिर विविधीकरण जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कि एक ही व्यापार ना करें, कुछ दूसरा कुछ भी शुरुआत करें, ताकि एक में अगर दिक्कत हो जाए तो हम दूसरे से थोड़ा बहुत आमदनी ले सकते हैं, ताकि हमारा पूरा व्यापार बैठ ना जाए। और ये सबसे बड़ी लर्निंग जो है, ये जो समझ में हमें आया कोविड के समय पे और लॉकडाउन के समय पे, यही आया कि सबके सैलून ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक बंद रहे, और उसके बाद भी अभी क्या लोगों के, आम आदमी के हाथ में भी पैसा नहीं आ रहा है, वहां पर भी आमदनी थोड़ी कम पड़ गई है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो सैलून का काम जो है, एक्टिविटी जो है, जिसको हम लाइफस्टाइल पे गिनते हैं, उस पे लोग खर्चा करना कम कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे अभी लॉकडाउन उठ रहा है या कोरोना का डर धीरे धीरे हट रहा है, लोग फिर से अपने आम जीवन में व्यस्त हो रहे हैं, काम में जाना शुरू कर रहे हैं, से लोग धीरे धीरे भी लाइफस्टाइल के तरफ या फिर सलून के तरफ, हेयर ड्रेसिंग के तरफ, इधर भी धीरे धीरे वो आना शुरू कर रहे हैं। तो एक अच्छा इसमें भी प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है कि इस पे आगे कोई स्कोप नहीं है कोरोना के बाद, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन इस पे आगे भविष्य है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा जो 3-4 महीने पहले पहले से अभी तक जो हम जिन समस्याओं से इसलिए भी जूझते रह गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ही व्यापार में अटक गए या फिर व्यापार से कोई दूसरा व्यापार पे जाए, जिसको हम विविधीकरण कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, वो नहीं सोचा था हमने कभी। हम एक ही चीज पे, एक ही रिसोर्स पे सब कुछ इन्वेस्ट कर रखे थे, तो उसपे थोड़ा दिक्कत होना हो रहा था। तो आज का जो सेशन रहेगा हम उसपे मेनली बात करेंगे 3 चीजों पे, क्योंकि विविधीकरण की जरूरत क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं इसको, डाइवर्सिफिकेशन क्यों करेंगे, आप अपना तो सलून चला रहे हैं, उसके साथ साथ नया कुछ करने का सोच क्यों लाना जरूरी है, वो पहली बात हम बात करेंगे। दूसरी बात, अगर सोच भी रहे हैं तो उसको कैसे सोचें, कौन सा बिजनेस करने से सही रहेगा, क्या करने से घाटा हो सकता है, अगर शुरुआत करेंगे तो किन चीजों को दिमाग में रख के शुरुआत करेंगे, ये कुछ चीजें समझेंगे। फिर तीसरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बिजनेस प्लान कहते हैं। अब बिजनेस प्लान नाम सुन के आप सोचिए मत कि बहुत बड़ा कुछ करेंगे, ऐसा नहीं, हम अपने स्तर पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे, ताकि जब हम कोई भी व्यापार का काम कर रहे हो, बिजनेस नया व्यापार शुरू कर रहे हो, तो इन 5-6 चीजों पे, इंडिकेटर्स पे हम ध्यान रखें, ताकि आगे जाके हम जब भी कोई काम करें तो हमें ये समझ में आए कि इस पे मुझे इतना पैसा लगाना पड़ेगा, ये करेंगे तो सही रहेगा, ये करेंगे तो डूब जाएगा, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा ताकि मेरा पैसा वापस आ जाए, मेरे घर पे थोड़ी आमदनी आ जाए। तो ये सारी चीजों को समझते हुए एक बिजनेस प्लान के ऊपर भी हम समझेंगे। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सवाल तो मतलब कंपलसरी आना ही है, जरूरी है, तो मुझे थोड़ा समय दे दीजिए ताकि मैं एक प्रेजेंटेशन छोटा सा है उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत उसके ऊपर से आपको लेते हुए जाऊं, ताकि आपको भी थोड़ी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए। और जब हम सेशन के अंतिम में पहुंचेंगे, आपके पास एनफ टाइम रहेगा, बहुत समय रहेगा, जहां पर आप अपने सवाल रख सकते हैं, बोल सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा उन सवालों का जवाब देने के लिए जितना मेरे बस में रहेगा, जितना मेरी क्षमता रहेगी। और ये सेशन पे ऐसा मत सोचिए कि कोई टीचर आ गया है, कोई स्पीकर आ गया जो बोल रहा है, ये आप और मेरे बीच की बात है, कि मैं आपसे भी कुछ सीखूंगा, आप भी कुछ कोशिश करिए कि आप भी इस चीज से कुछ सीखें, ठीक है। तो पूरा निर्भय निडर होके आप चीजों को रखिए, उससे हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से बातें करते हुए इस सेशन का एक आउटपुट अच्छा सा निकले, ठीक है। तो समीक्षा जी, हेलो। हाँ जी सर, हाँ,
इफ पॉसिबल आप वो पीपीटी एक बार अगर शेयर करें तो मैं शेयर करूं. ओके अदरवाइज मैं करता आप हूं एक बार ट्राई करिए सर, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा, आपको मैंने को होस्ट बनाया है. यस आई हैव इट. समीक्षा जी आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर, हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग. हाँ अभी आ रहा है सर. ये फुल स्क्रीन आ रहा है क्या इसमें? आर यू एबल टू सी द स्लाइड? नहीं, फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है. नाउ इट इज फुल स्क्रीन. ओके, तो थैंक यू. तो जितने भी बहन जुड़े हुए हैं, तो कैसे यहाँ पर पहले हम देख रहे हैं इसका नाम है, अब हम अंग्रेजी में देखे तो एक बिजनेस प्लान, ठीक है, और नीचे भी आप देख रहे हैं हिंदी में लिखे हैं बिजनेस प्लान. तो इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है, जब इसका एक पीडीएफ भी बना दिया गया है, जो समीक्षा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो सेशन के बाद आप सबको व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेट कर दें, ताकि ये पहला जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है एक बिजनेस प्लान के लिए, ये इसी फोटो में सब कुछ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो नेक्स्ट हम इस स्लाइड पे अगर हम जाएं तो आप देखिए कि आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे. तो अभी जो मैं बता रहा हूँ शायद माध्यम में है बताने का, लेकिन हम मीना देवी जो हमारी एक दीदी थी जिनके साथ हमने राजस्थान में भी काम किया, वो भी सलून जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मीना देवी के बातों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि मीना देवी एक साल पहले कैसे अपना विविधीकरण किए थे, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन किया था, किस तरीके से बिजनेस प्लान किया था, क्या क्या सोचा था, तो उसको बेस करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे. मैं बस माध्यम हूँ, लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको मीना देवी जी की, और इसी कहानी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि चीजों को अच्छे से समझे. तो आज जो हम कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए, पहला तो ये है कि व्यवसाय विविधीकरण क्यों महत्वपूर्ण है. विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन, कि हम जो व्यापार कर रहे हैं उसे छोड़ के दूसरा व्यापार भी क्यों करना चाहिए. दूसरा बात जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो हो व्यवसाय विविधीकरण जो विकल्पों की पहचान कैसे करें, जो ऑप्शन कहते हैं, कि व्यापार तो कुछ नया भी कर सकते हैं लेकिन कौन सा करें, ठीक है, दूध का करें, ठीक है, किराना का करें, टेलरिंग का करें, टिफिन का करें, टी स्टॉल्स का करें, किसका करें, तो उसके ऊपर भी, उस चीजों पे भी हम बात करेंगे. फिर जो आखिरी में हम समझेंगे पहचाने गए विकल्प के आधार पर, ठीक है, व्यवसाय योजना कैसे विकसित किया जाए. आपने अगर कोई ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मुझे किराना शॉप एक लगाना है या मुझे कोई टेलरिंग शॉप लगाना है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर आप कैसे काम करेंगे. आपको ऑप्शन तो मिल गया लेकिन उस ऑप्शन के बेस पे आपको प्रॉफिट भी तो कमाना है, वही व्यवसाय का मतलब पूरा कहानी वहीं पर ही है कि आप प्रॉफिट कमाएं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो ये तीन चीजों पे हम कोशिश करेंगे चीजों को समझने के लिए. तो अभी हम देखते हैं कि व्यवसाय विविधीकरण क्यों महत्वपूर्ण है. तो पहली बार क्या हुआ था ना, जब मीना दीदी थी उन्होंने एक बार क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो मैं अंडे का दुकान लगाता हूं, ठीक है, अंडे का दुकान में क्या करेंगे, चलो ऑमलेट करेंगे या फिर हम उसको बॉयल अंडा बना के भेजेंगे या कुछ ना ब्रेड ऑमलेट बना के भेजेंगे, इस टाइप का कुछ उन्होंने सोचा था. बड़ी खुशी खुशी दीदी ने क्या किया ना, अपना पूरा अंडा जो भी था कैरेट वो खरीद के लाई, लेकिन गलती से क्या हुआ वो कैरेट नीचे गिर गया, ठीक है, जब लेकिन दीदी के पास जितना भी पैसा था 2000-3000 जो भी पैसा था उन्होंने सारे इस अंडे के दुकान पे लगा रखा था. जैसे ही वो एक्सीडेंटली या फिर किसी भी बस वो जैसे अंडा कैरेट नीचे गिरा, सारे अंडे फूट गए. अब दीदी को दिक्कत हुआ क्योंकि दीदी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई मतलब विकल्प नहीं है, उनके पास कोई प्लान बी नहीं है. तब दीदी सोच में पड़ गई कि मेरी गलती क्या थी, ठीक है, तो गलती क्या क्या हुआ था वो अगर समझने की हम कोशिश करें, तो पहला बात ये रहा कि एक विकल्प में ही सभी संसाधनों का निवेश कर दिया. बस अंडे का जो ठेला लगाने वाली थी दीदी उसी में ही उन्होंने अपना सब कुछ उसमें खर्च कर दिया, ठीक है. जैसे दूसरा अगर देखें तो नुकसान के मामले में कोई योजना बी नहीं था, दीदी ने कभी सोचा ही नहीं था कि अंडा ऐसे टूट सकता है
क्या केला कहीं गिर सकता है, अंडा फट सकते हैं, अगर अंडा फट सकता है तो कैसे क्या किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके का भी सोच नहीं था। दीदी ये भी कर सकती थी कि आधा अंडा घर पे रख के आधा अंडा ही ठेले पे लेके जाके बेच सकती थी, लेकिन उस हिसाब से कुछ दिक्कतें हो गई। तो वो था प्लान बी, दीदी के पास नहीं था। तीसरा क्या था, जब गलती से सभी अंडे टूट गए तो वह नुकसान से उबरने में विफल रहे। जब सारे अंडे टूट गए तब वो नुकसान से और विफल से नहीं निकल पाए। तो इससे हमें ये बहुत बड़ा सीख मिलता है कि जब भी हम अपने संशोधन का या रिसोर्स का या पैसों का या एनर्जी का कहीं पर भी अगर निवेश कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब हम कोशिश करें कि एक दो जगह पे उसको लगाएं। सब कुछ एक अंडे के कैरेट पे ना लगाएं। अगर अंडे के कैरेट पे लगाए हैं तो कुछ अंडे घर पे, कुछ अंडे दुकान पे रखें, ताकि कहीं पर भी एक्सीडेंटली कुछ लॉस अगर होता है तो आपके पास बचा कुछ जो है उसको लेके भी आप अपना व्यापार आगे बढ़ा पाए। तो इसीलिए व्यापार विविधीकरण या फिर डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपना सब कुछ एक जगह पे ना लगाएं और आप धीरे धीरे दूसरे जगहों पे भी, दूसरे व्यापार में भी इसको इन्वेस्ट करें, ताकि एक व्यापार अगर आपका अटक रहा है थोड़े दिन के लिए या कुछ चीजों के लिए, तब आप दूसरे व्यापार से भी अपना कमाई कर सकते हैं और उसी से भी घर चला सकते हैं। तो अभी फिर इसके बाद मीरा देवी ने क्या किया, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि व्यवसाय विविधीकरण विकल्प की पहचान कैसे करेंगे। दीदी को समझ में आ गया कि एक गलती उन्होंने किया कि अपना सब कुछ अंडे के ठेले में लगा दिया। अब उनको पता चला कि भाई मुझे दूसरे जगहों पे भी कुछ खर्च करना है, वहां पर भी निवेश करना है, दूसरा कुछ ऑप्शन निकालना है, तो वो कैसे करना है। तो पहला अगर आप देखेंगे तो दीदी को पता, सोचा दीदी ने कि क्या ये जरूरी है, विविधीकरण जरूरी है क्या। फिर दीदी ने अपना एक्सपीरियंस देखा और दीदी को लगा कि हाँ जरूरी है, करना चाहिए, ठीक है। पहले आपको अपने आप में विश्वास आना जरूरी है कि मुझे दूसरा व्यापार के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। और लॉकडाउन और कोरोना के समय पे हम सबको ये सीख मिल चुकी है कि हम एक व्यापार पे नहीं, हम छोटे छोटे दूसरे व्यापार के तरफ भी, निवेश के तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये पहला। फिर दूसरा अगर आप देखेंगे तो दीदी ये बता रही है कि अगर आपको लगता है कि दूसरे व्यापार करना जरूरी है तो मेरे पास क्या कौशल है और इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या कौशल है। कोई बुनाई का काम अच्छा कर सकती है, ठीक है, कोई टिफिन बहुत जल्दी खाना बना सकती है, कुक कर सकती है, टिफिन पैक करवा सकती है, ठीक है, कोई अच्छा किराना अगर हिसाब किताब रख सकती है, ज्यादा सामान खरीद के कस्टमर्स को बेच सकती है, तो किराना का दुकान, तो इस टाइप का कोई भी कौशल अगर आपके पास है, ठीक है, कोई मास्क बनाने का सोच रहे थे, ठीक है, तो इस हिसाब का कोई भी अगर कौशल आपके पास है तो वो कौशल को पहले आपको देखना पड़ेगा, जिसको हम स्किल कहते हैं। दूसरी बात क्या है, उसी में आपको देखना पड़ेगा आपके पास स्किल्स तो है लेकिन उस स्किल्स का जरूरत है क्या लोगों को, ठीक है। तो अगर लोगों को जरूरत है तभी आपके स्किल्स का पैसा आपको मिलेगा, तभी उस स्किल को बेस करके आप कोई व्यापार कर सकते हैं। फिर आप तीसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो दीदी ने ये देखा कि मेरे कौशल को बेचने के लिए पास के बाजार क्या है, ठीक है। उनको पता चल गया कि भाई मैं कौशल, मेरे पास कोई ना कोई एक स्किल्स है, ये स्किल्स की जरूरत भी है लोगों को, लेकिन पास में बाजार की जरूरत है। कस्टमर कहाँ मिलेंगे मुझे, मुझे तो कस्टमर मार्केट में मिलेंगे, बाजार में मिलेंगे, जहां पर मैं अपना व्यापार लगा सकूं, बिजनेस शुरू कर सकूं या मैं अपना प्रोडक्ट बेच सकूं। तो आपको मार्केट भी देखना जरूरी होता है। फिर आप चौथा नंबर पे दीदी क्या देख रही हैं कि ऑलरेडी दीदी का अपना एक काम है, ठीक है, ऑलरेडी दीदी एक काम कर रही हैं, तो उस काम से उनका ऑलरेडी एक कस्टमर बेस है। जैसे आप लोग अभी सलून का काम कर रहे हैं तो आप सबके पास एक कस्टमर्स का एक लिस्ट होगा जो रेगुलरली आपके पास आ रहे हैं या फिर वहां से जा रहे हैं, आपके साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कस्टमर्स को लेके क्या मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, तो वो देखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो उसको भी अगर हम देखें तो उस चीज को भी लेकर दीदी ने देखा कि अच्छा मेरे जो पुराने कस्टमर है उनको भी मैं काम में लेकर नया व्यापार शुरू कर सकती हूँ क्या। तो यहाँ पर क्या आपको बना बनाए कस्टमर मिल जाते हैं। फिर पांचवी में देखा दीदी ने कि ये तो पहली, मैं ही तो एक ही किराना, एक ही दुकान नहीं हूँ, ठीक है,
ऐसे तो मेरे से दूसरे लोग भी वहां पर कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स देखी कि भाई कौन मेरे मेरे प्रतिस्पर्धात्मक जो कॉम्पिटिशन है वो कौन कौन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं किराने की दुकान लगा रही हूँ तो पहले से वहां पर कितने किराने की दुकान है, वो किराने के दुकान पे सामान ज्यादा पैसे में बिक रहा है तो क्या मैं थोड़ा कम पैसा करके बेच सकती हूँ ताकि लोग मेरे दुकान पे आए। तो ये सारी चीजों पे भी उन्होंने ध्यान दिया। फिर जो 6 नंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पैसा, कि कोई भी व्यापार शुरू करने के पहले मेरे पास निवेश के लिए कोई पैसा है क्या। ये सब तो ठीक है लेकिन मेरे पास कुछ पैसा है, अगर मैं किराने की दुकान लगाना चाहती हूँ, अगर मैं मास्क बना के बेचना चाहती हूँ, अगर मैं टिफिन बना के लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो मेरे पास उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए प्रारंभिक जरूरतों के लिए मेरे पास पैसा है क्या, उसके बारे में भी मीना देवी ने सोचा। फिर मीना देवी ने क्या किया, फिर अगर आप देखेंगे तो हम पढ़ रहे हैं कि पहचाने गए विकल्प के आधार पर व्यवसाय योजना कैसे विकसित की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि ये 6 स्टेप से मीरा देवी गुजरती हुई, उन्होंने देखा कि चलो भाई मुझे ये काम करना है, मुझे एक किराने का दुकान लगाना है और टेलर का दुकान छोटा सा लगाना है, ये उनको पता चल गया। जब दूसरी आई, पता तो चल गया लेकिन उसके ऊपर मैं काम कैसे करूंगी, तो मीरा देवी ने पहले क्या किया ना, व्यवसाय योजना विकास, जिसको हम बिजनेस डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, कि बिजनेस डेवलपमेंट प्लान मुझे बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा ने क्या किया ना, विज्ञापन और प्रचार। ठीक है, उनको पता तो चल गया किराना दुकान बनाना है, टेलरिंग दुकान बनाना है, लेकिन ये लोगों तक तो पहुंचाना जरूरी है। तो मीरा देवी ने जितना भी अपना पुराना कस्टमर, नए कस्टमर, अपने घर वाले, जानने वाले, पहचानने वाले, आस पड़ोस, सबको घूमते घूमते अपने काम के बारे में थोड़ा बहुत करके समझाया। फिर तीसरी में अगर आप देखेंगे तो मोबाइल का उपयोग से नए उत्पाद पेश करना। दीदी के पास कस्टमर्स के नंबर है, दीदी व्हाट्सएप यूज करती है, तो उन्होंने क्या किया ना, अपने सारा कुछ भी अगर नया आ रहा है, मान लीजिए वहां पर नया बिस्किट आया उनके दुकान पे, या फिर नया कुछ आइटम आया उनके दुकान पे, ठीक है, या फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं इस बार हम शादियों में घाघरा चोली सिलवाएंगे, तो इस टाइप का कुछ भी कुछ नया होता था तो दीदी क्या करती थी, व्हाट्सएप मैसेज में अपने सारे लोगों तक वो बात को वो पहुंचाती थी, जल्दी पहुंचती थी बात। फिर आखिरी में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, वो है आय और व्यय का रिकॉर्ड। दीदी क्या करती थी कि 1 रुपये भी आता था तो उसको लिखती थी, या 1 रुपये जाता तो भी उसको लिखती थी। और वो जो दीदी मीरा देवी है वो खुद से पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, वो लिख नहीं पाती थी, तो क्या करती थी, अपने दुकान के जो बच्चे थे या फिर अपने जो खुद के जो बेटे या बेटियां थी उससे वो लिखवाती थी। और ये इसलिए लिखना जरूरी है कि हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लिखते नहीं है, वो बस बोल देते कि हाँ इतना पैसा आया, एक अनुमान लगा के चलते हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। अगर आप लिखेंगे नहीं रिकॉर्ड्स को, कहीं ना कहीं थोड़ा लिखेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे किस पे नियोज करना है, किस पे ज्यादा पैसा लगाना है, सबसे ज्यादा सामान मेरा क्या बिक रहा है, ठीक है, और कहाँ से मुझे ज्यादा फायदा आ रहा है, कहाँ से मुझे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये सारी चीजें हमें नहीं पकड़ में आएंगी अगर आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, पकड़ में आ सकती है लेकिन जो आज पकड़ में आता वो आपको 3-4 महीने के बाद पकड़ में आएगा, तो 3-4 महीने के अंदर जो नुकसान हुआ वो उसका भुगतान कौन करेगा, भरपाई कौन करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी आपका आय या व्यय हो उसको लिखिए। ये दीदी ने ये 4 स्टेप को सोचा। फिर दीदी ने सबसे बड़ा काम जो था वो था व्यवसाय योजना विकास। तो मीरा देवी ने ये सोचा कि चलो सब कुछ अब ठीक हो गया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि जो काम मैं करना चाहती हूँ उसके लिए कितना पैसा खर्च होगा, वो पैसा कितना मेरे पास है, कितना पैसे बाहर से लाना पड़ेगा, बैंक से हो या रिलेटिव से हो या पति से है हो या बच्चों से हो, कहाँ से लाना पड़ेगा, और इतना जो पैसा आएगा उस पैसे को रिकवरी के लिए जो खर्चा किया है वो पैसा फिर पहले मेरे पास वापस आए उसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, कितना सामान बेचना पड़ेगा या फिर कितना मास्क बेचना पड़ेगा, कितने कपड़े सिलने पड़ेंगे, वो सारी चीजों को मीरा देवी ने लिखना शुरू किया। तो वो मीरा देवी क्या की कि 3 साल तक, कम से कम आज से लेकर 3 साल तक उन्होंने अपना एक व्यापार का योजना बनाया।
तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो आप देखिए पूंजी निवेश, पूंजी निवेश जो पहले लिखा हुआ है वो है आपका कि पहला पैसे का नियोज, कि पहला पैसा कितना लगना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा पूंजी की आवश्यकता, कितनी पैसों की मुझे जरूरत है। तो वह कहां से पता चलेगा? आपको किराया अग्रिम, आप अगर कोई किराने की दुकान ले रहे हैं तो उस दुकान का भाड़ा देना पड़ेगा पहले ही एडवांस में। आप तो दिल्ली में है, दिल्ली में तो एडवांस लगता ही है, ठीक है, गांव के जगहों पे अलग बात है, लेकिन शहरी जगहों पे तो आपको एडवांस देना पड़ेगा। तो किराया के लिए आपको पहले पैसा चाहिए। ट्रांसपोर्ट, अगर आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, कपड़ा सिलना हो, मास्क बनाना हो, अनाज के लिए हो, बड़ी पापड़ बनाना हो, कुछ भी करने, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो वो लाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट से लाना पड़ेगा, कच्चा माल जो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। फिर कर्मचारी, अभी भी आप अपने सैलून पे किसी को रखे होंगे, ठीक है, तभी अगर आप अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हैं तो पहले पहले तो आप खुद से काम करोगे, आपके बच्चे या पति वो भी बैठेंगे आपके दुकान पे, लेकिन धीरे धीरे क्या, जैसे जैसे आप बिजनेस बढ़ाते रहोगे, आप 2-3 व्यापार करते रहेंगे, तब आपको किसी को ना किसी को रखना तो पड़ेगा, कम पैसे में हो, ज्यादा पैसे में हो, तो वो कर्मचारी का खर्चा क्या बैठ रहा है। और अन्य, अन्य में जैसे आपका बिजली हो गया, पानी हो गया, साफ सफाई हो गया, तो ये जो पहला खर्च होता है निवेश, पहला जो है इनिशियल कैपिटल जो कहते हैं, उसको हमें सोचना पड़ेगा कि वो जो मान लीजिए आपको 10,000 रुपए चाहिए पहला निवेश के लिए, वो 10,000 से आप देखिए स्वयं के खाते से कितना, कि आपके पास कुछ पैसा है क्या 4,000, 3,000, 5,000 जो कि आप लगा पाए। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा ऋण से, ठीक है, ऋण हो या फिर ऐसे ही आप पति से हो या बेटे से हो या फिर कोई रिलेटिव से हो या फिर बैंक से हो, कहीं से भी अगर आप ऋण लेके थोड़ा कर पाएंगे। अगर आप ऋण लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, क्योंकि बिना ब्याज के तो आपको ऋण नहीं मिलने वाला। तो ये सब मिलाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे 10,000 रुपए मेरा जो जरूरत था वो मैंने कहीं ना कहीं से बटोर लिया है। अब आपको देखना पड़ेगा जो आखिरी में लिखा है, तो मुझे कितना कमाने की जरूरत है। अगर मैंने 10,000 लगाया तो हर महीने मुझे थोड़ा बहुत करके कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, ताकि मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो मेरा पूंजी निवेश है, ठीक है, वो 10,000 उसको पहले मैं निकाल दूं। उसके प्रॉफिट तो सेकेंड की बात है, दूसरी बात है प्रॉफिट, पहले वही होता है कि आपका जो निवेश है उसको कैसे आप वापस ले आओ, ये पहला चीज आपको देखना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज जो है वो है उत्पादन प्रबंधन। उत्पादन प्रबंधन को हम अंग्रेजी में प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो कहते हैं, उस पे आपको देखना पड़ेगा कि मुझे मेरा 10,000 लगा है, मुझे महीने में 8,000, 5,000, 4,000 कमाऊंगी, तो मैं 3 महीने में 4 महीने में 10,000 कमा लूंगी, ठीक है, फिर 3 महीने के बाद मैं प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तब जब प्रॉफिट के बारे में हम सोचना शुरू करेंगे तब हम देखेंगे कि कितना उत्पादन करना है, ठीक है, कहीं पर भी अगर कम उत्पादन आपने किया, कम प्रोडक्शन किया, तो शायद आपको पैसा नहीं आएगा हाथ में। अगर ज्यादा उत्पादन, ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो शायद वो माल बिकेगा नहीं, ठीक है, तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा कुछ चीजें जो आप दाई तरफ अगर देखेंगे, पूर्व पूंजी निवेश की वसूली, ठीक है, पहले ये सोचना पड़ेगा कि पहले जो 10,000 लगा है वो मुझे निकालना है, उसके साथ प्लस परिचालन लागत का पूरा करना। परिचालन मतलब ऑपरेशन कॉस्ट, हर महीने आपका कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगेगा, कर्मचारी को पैसा दोगे, ठीक है, या फिर आपका साफ सफाई, किराया, रेंट, ये सारा जो हर महीने लगेगा उसका भी खर्चा निकालना है, प्लस घर के खर्चे चलाना, दुकान का खर्चा तो है ही, घर में भी खर्चे हैं, बच्चे के पढ़ाई के लिए, राशन के लिए, दवा दवाई के लिए, ये सब का भी घर चलाना है। आपको अपने सपने की लागत, ये सबसे जरूरी है, ये सब तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये सब में कहीं ना कहीं आपका भी तो एक सपना है कि भाई मैं कुछ पैसे कमाऊंगी, मेरे बैंक खाते में इतना पैसा पड़ा रहेगा, ठीक है, मैं आगे जाके और कुछ करना चाहती हूँ, तो आपका एक सपने का भी पैसा है। उस सपने के लिए अगर मैं आगे जाके सोच रही हूँ कि मैं आगे जाके कुछ नया करूंगी, नया व्यापार करूंगी, तो उसके लिए भी कुछ कमाई करके आपको सेविंग्स करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा।
तो ये सारी चीजों को समझते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि इतना अगर मुझे कॉस्ट निकालना है, ठीक है, घर का खर्चा, दुकान का खर्चा, फिर आगे जाके कुछ करना है, मेरा सपनों का खर्चा, ये सारे खर्चे को मिला के मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे इतना काम करूंगी तो मुझे इतना पैसा निकल के आएगा। फिर उसी हिसाब से दूसरे लाइन पे अगर आप जाएंगे तो लिखा है अनुमानित उत्पादन के अनुसार बजट। आपको पता चल गया कि मेरे खर्चे इतने हैं, ये खर्चे को निकालने के लिए मुझे इतना कमाना पड़ेगा, इतना कमाना पड़ेगा तो मुझे इतना काम करना पड़ेगा, इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको एक बजट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो बजट क्या होता है ना, काम करने के घंटे की संख्या, ठीक है, अगर आप सलून में काम कर रहे हैं तो दिन का 8 घंटे कर रहे हैं, 9 घंटे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो समय को आपको मापना पड़ेगा। फिर कच्चा माल और कर्मचारी, इन तीनों चीजों को देखना पड़ेगा कि आप अगर सलून में काम भी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो सलून में आपको क्या क्या सामान चाहिए, वो आपके सलून में कोई काम कर रहा है तो उसका खर्चा, ठीक है, कितने घंटों तक वो काम कर रहा है तो उसका खर्चा, तो ये सारे खर्चों को देखते हुए आपको एक अनुमानित बजट बनाना पड़ेगा कि मुझे महीने का मेरा खर्चा है 8,000 या 7,000 तो उसको पूरा करूंगी, उसके साथ साथ और भी कुछ कमाई हो तो मुझे महीने का 12,000 कमाना है ताकि 8,000 पूरा खर्चा निकल जाए और 4,000 जो बचा वो कम से कम मैं अपने पास रख सकूं, कुछ आमदनी कर सकूं, कुछ सेविंग्स कर सकूं, तो वो मैं अपने आगे जाके सपना पूरा कर सकती हूँ। और सबसे आखिरी में जो आता है वो है मूल्य निर्धारण। आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसका एक मूल्य होता है, उसका एक प्राइस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर हेयर कटिंग कर रहे हैं तो आपने उसका कुछ रेट रखा है, अगर आप आईब्रो बनाने का कर रहे हैं उसका एक रेट रखा है, फेशियल का रेट रखा है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि उत्पादन का लागत, ठीक है, उत्पादन में पूरा प्रोडक्ट बनने में आपको जितना खर्चा लग रहा है उससे थोड़ा मार्जिन जोड़ना है, प्लस मार्जिन, और मार्जिन ऐसे जोड़िए ताकि वो लोग उसको एफर्ड कर सकें। ठीक है, मान लीजिए आपने में से किसी ने टिफिन सेंटर शुरू किया, टिफिन सेंटर में मान लीजिए आपको समोसे बनाने, तो एक समोसा बनाने के पीछे अगर आपको 5 रुपए खर्च हो रहा है और अगर आप उसको 50 रुपए में बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि लोग उतना एफर्ड नहीं करेंगे, 50 रुपए का समोसा नहीं खरीदेंगे। तो अगर आपका खर्चा 5 रुपए बैठ रहा है तो उसपे और 3 रुपए 5 रुपए जोड़ के आप 10 रुपए में उसको बेच सकते हो ताकि एक छोटा मोटा मार्जिन आपको उस कमाई हो पाए। ठीक है, तो ये आपका व्यवसाय योजना का विकास है। इसके बाद दीदी ने ये पूरा काम किया, फिर हम इनका प्रैक्टिकल देखेंगे जो रियल स्टोरी है। ठीक है, ये यही मीरा देवी हैं जो अंडे के व्यापार से अपना शुरुआत किया था 1 साल पहले, पता नहीं था किस तरीके से व्यापार करें, लॉस में आ गई थी, फिर थोड़ी बहुत बैंक से लोन लेके अपना सेविंग्स को लेके उन्होंने काम शुरुआत किया, अपने अपना बिजनेस प्लान बनाया, मार्केट को देखा, कस्टमर से मिली, अपना सारा काम फिर से धीरे 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 वो बढ़ाने लगी, अपना खाता बही मेंटेन करने लगी, ठीक है, अपना सारा रिकॉर्ड सीखने लगी, और आज के दिन पे 1 साल के अंदर अंदर मीरा देवी का मासिक आय आज के दिन पे कोरोना के समय पे अगर आप देखें तो 32,000 तक पहुंचा है। और वो क्या क्या एंटरप्राइज कर रही है, ना किराने का दुकान भी चला रही है, साथ में एक दर्जी का दुकान भी चला रही है और साथ में एक चाय का दुकान चला रही है। तो चाय का दुकान में उनका बेटा बैठता है, दर्जी के दुकान में उन्होंने 2 लोगों को रख रखा है, अपने गांव के 2 लड़कियों को, और किराने के दुकान पे वो खुद बैठ रही है। और इनका आगे का प्लान है कि वो आगे जाके एक दूध का बूथ बनाएंगी, मिल्क बूथ, जहां पर अमूल हो गया, दूसरे जो मिल्क आ रहे हैं वो वहां से उसको दही छाछ दूध वहां से वो बेचें। तो समय 13 महीने में मीरा देवी ने ये सारे प्रोसेस करते हुए यहाँ तक वो पहुंच पाए। ठीक है, तो इसके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी आगे जाके हम इस पे और थोड़ा बात करेंगे कि मतलब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यह प्रेजेंटेशन तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो अभी तो हम नेक्स्ट जाएंगे, सवाल जवाब उसके ऊपर जाएंगे। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं अपना माइक म्यूट से हटा के।
कोई कुछ समझ भी नहीं पाए, अगर कोई दिक्कत हुआ समझने में तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जिसका स्पेस छोटा उसमें क्या बिजनेस हो सकता है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। जिसका स्पेस छोटा हो तो वो कैसे काम कर सकते हैं इतने सारे, जिनका वो तो तीन कर सकते हैं, इतना हमारे पास तो छोटा स्पेस है, उसमें क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, तो आप सोचिए उनके पास स्पेस भी नहीं था। ठीक है, आप अपना नाम थोड़ा बताइए। मैं अलका, अलका। हाँ अलका जी नमस्ते। तो मैं ये बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि जब मीरा देवी ने जब काम शुरू किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे उनके पास स्पेस ही नहीं था। तो आपको मैंने जब पहले बताया कि वो ठेले पे शुरुआत किया था उन्होंने काम, धीरे धीरे इस काम को उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते, और उनका अपना कुछ भी स्पेस नहीं है। ठीक है, वो आज जो भी काम कर रहे हैं वो छोटा मोटा रेंट लेके वो काम कर रहे हैं। तो स्पेस एक जरूरी चीज है, लेकिन स्पेस के वजह से आपका काम करने की क्षमता कम नहीं होनी चाहिए। जो छह चीजें हमने जो बताया कि पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्किल सेट क्या है, ठीक है, दूसरा जो देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना दूर है, मार्केट में आपकी स्किल का कोई भाव है कि नहीं, फिर कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ेगा, फिर आपके पास पैसे कितने हैं। तो जब भी कोई आप काम शुरू करें, ये सारी चीजों को देखते हुए एक सोचें कि अगर ये काम मैं करूंगी तो इससे मुझे फायदा है कि नहीं। ठीक है, तो उसी हिसाब से जैसे हमने हमने तो एक ही काम सीखा पार्लर का, इसके अलावा में तो कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, सेल्स छोटा मोटा आइटम रख के सेल्स कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए इसमें इसमें क्या होता है अलका जी, कि कोई भी व्यापार करने के पहले सबसे अच्छा जो व्यापार क्या करना है वो आप बता सकेंगे, वो कभी भी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके पास स्किल्स क्या है, आपके पास पूंजी क्या है, आपके आसपास में क्या बिकता है, वो नहीं बता पाएंगे। क्योंकि आप मार्केट में हैं, आप सलून चला रहे हैं, आप दिन में कुछ कस्टमर से मिलते हैं, आपको पता है कि मार्केट का क्या हालत है और लोग यहाँ पर क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्या बेचना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये स्किल्स मुझे नहीं पता, पहला एक दिन, दो दिन, तीन दिन, दो महीना, तीन महीना, उसके बाद बाद जैसे जैसे आप उस काम को बार बार करते रहेंगे, फिर आपको वो स्किल अपने आप एक्वायर कर लेंगे, आप खुद से उस पे मास्टर बन जाएंगे और धीरे धीरे चलाएंगे। आप एक बार सोचिए ना, जब आपने पहली बार सलून चलाया था तो क्या सब एक नंबर बनता था क्वालिटी? नहीं, कहीं ना कहीं गलतियां होती थी, कहीं ना कहीं आप सीखते थे, फिर पहले पहले आपने कॉस्ट ज्यादा रखा होगा। ठीक है, कहीं कहीं आप ज्यादा क्रीम यूज कर रहे होंगे, कहीं कहीं आप ज्यादा मटेरियल यूज कर रहे होंगे, धीरे धीरे आपने क्या किया, आप समझ गए कि भाई इतना पेस्ट की जरूरत नहीं है, इससे कम पेस्ट में भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जैसे जैसे आप धीरे धीरे करते रहेंगे आपको समझ में आते रहेगा। तो ये चीज बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा कि आपको कोई स्किल्स नहीं है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी, सबके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन होता ही है। नहीं, सिर्फ सेल्स का कर सकते हैं, सूखा काम जैसे जो। सर, मैं वो कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे मेरा पार्लर है, मैं सिलाई का काम करती हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो अभी मैंने अपनी बेटी के लिए सूट लाया था दो, ठीक है, वो मेरे कस्टमर को पसंद आ गया, वो मैंने दोनों सेल कर दी, और सेल करने के वजह से मुझे उस पे 200-200 रुपये फायदे हुए, प्लस मेरे पास सिलने के लिए भी दे गई। क्यों ना मैं यही काम करूं, मैं ऐसा सोच रही, पर बजट तो नहीं। बुटीक साथ में कर सकते हो ना? मैं करती हूँ सिलाई का, जैसे मेरी बेटी की अभी मैरिज हुई है तो दो सूट लाई थी मैं उसको देने के लिए, तो वो मेरे कस्टमर को पसंद आ गया, वो मैंने दोनों सेल कर दी। श्रीकांत सर, आपका माइक म्यूट पे है। अभी मैं अभी बात कर रही हूँ। दीप्ति जी बोल रहे हैं? नहीं, सपना जी बोल रही हैं। अच्छा, सपना जी, मैं सपना, हाँ, सपना जी। नहीं, अभी अभी जैसे सपना जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, तो अभी दो दिन की बात कह रही हूँ मैं, मेरी बेटी की न्यू शादी हुई है उसके लिए दो सूट लाई थी मैं।
वो मैंने स्टेटस पे डाला, मेरे कस्टमर को पसंद आ गया, बिल्कुल आया देखने, और उन्होंने फिर सिलने के लिए मुझे ही दिया। बिल्कुल, तो बहुत सिलने अच्छी के बात लिए है। मुझे 400-500 रुपये सिलाई मैंने ली उनसे। अब वो करवा चौथ पे उनको दूंगी सिल के, पर मेरे पास बजट नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो लगभग मैं 10,000 रुपया सिलाई से कमा लेती, लेकिन बिल्कुल बजट बिल्कुल है ही नहीं। तो बिल्कुल नहीं, इस बात को पूरी तरीके से हम समझ रहे हैं। ठीक है ठीक अब जो जो मेरी मतलब कस्टमर है उनसे मैंने सिलाई के पैसे पहले लिए हैं, अब उस सिलाई के पैसे से मैं अपनी बेटी के लिए सूट लाऊंगी। वही करो वही रहा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब मेरी लाइफ बहुत सिंपल कर दिया ये एग्जांपल देख के। ठीक है, तो हमने भी बहुत जगह पे देखा था, जैसे मैंने मीरा देवी की बात की, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कहीं से उनको जैसे लोन मिल गया भारती जी या को हमने भी दिया। पता है, समीक्षा हाँ जी को भी पता है, सुंदरी जी को भी पता है, कपड़े मैं सिलती हूँ। ऐसे कोई मैंने सीखा है डिजाइनर वगैरह, लेकिन जो सिलती हूँ बोलिए आजकल के हिसाब से सिलती हूँ, बोलिए। पसंद आता है। तो बस नहीं, ये बजट की वजह से मेरे भी हाथ रुका हुआ है, मेरा भी। मैं इस चीज पे आप सबको इस चीज से आप सबको यही बोलूंगा कि एक चीज जो हम सबको सीखना पड़ेगा कि कभी कभी हम एक इनिशियली एक चीज से फायदा देखते हैं, ये और जब मैंने हम फायदा देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, अभी मेरे मैंने पास और थोड़ा बजट होता और थोड़ा पैसा होता तो इस पे मैं ज्यादा खर्च करती और ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते। ठीक है, तो मीरा देवी के एग्जाम्पल से हमें एक चीज सीखना पड़ेगा, उन्होंने भी वही किया था कि जब उनको दिखा कि अंडे के ठेले से प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो उन्होंने सब कुछ उसी में डाल दिया था, इधर उधर से लेके। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन हमें इनिशियली बहुत ही कंजर्वेटिव मतलब रुक के समझ के सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज है, इसी को ही कहते हैं हम लोग कि बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, कि आप धीरे धीरे छोटे छोटे तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाते रहिए। ठीक है, कहीं पर भी ओवर एक्साइटमेंट से कि प्रॉफिट आ रहा है या कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो आप सब कुछ उस पे ना डालें। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे पास ये बजट नहीं है या फिर मेरे पास ये स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हूँ, वो होता है। ठीक है, वो सबको फील होता है, लेकिन हमने आज तक जो देखा है कि कोई भी एग्रेसिव बिजनेस या इनिशियली प्रॉफिट दे के किसी भी बिजनेस में पूरा का पूरा अपना सब कुछ लगा देना या मूव करना वो उतना सही बात नहीं है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इसी तरीके के कुछ कुछ बिजनेस ऑप्शंस आप कैप्चर करिए। आप ऐसे जैसे इन्होंने बोला अपने कस्टमर को ही बेस करते हुए, अपने जो सलून के कस्टमर थे उन्हीं को ही इन्होंने अपने कपड़े जो हम पे परिवार के लिए लाया था उसको बेच के इन्होंने प्रॉफिट कमाया। अभी तो उस कस्टमर को भी पता चल गया कि इनके पास सिलाई का एक साधन है, सिलाई का इनके पास स्किल्स है। ठीक है, तो उसी तरीके वही मीरा देवी ने भी किया था, उन्होंने अपने जो पुराने कस्टमर थे उन्हीं को ही उन्होंने जाके अपना किराना का सामान पहले बेचा था, फिर उन्हीं तो उन्हीं के बच्चों के कपड़े लाके उन्होंने सिलाई करना सीखा था। तो इसी इसी चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस पहली बार आए तो दिक्कत होता है कि क्योंकि किसी के पास कस्टमर नहीं होते, लेकिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास कस्टमर्स हैं, ऑलरेडी सैलून के एक कस्टमर बेस बना हुआ है, आप उन्हीं को ही बैंक करके आप इसको आगे ले सकते हैं। किसी और का कोई सवाल, आप माइक को अनम्यूट करके प्लीज अपना सवाल पूछ सकते हैं, या कोई डाउट हो वो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए रुक्मणी जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर मेरे हस्बैंड की दुकान है कॉस्मेटिक की, और कपड़े का भी काम है। अब मेरा तो काम इस टाइम बंद है, तो मैं कैसे उसे आगे बढ़ाऊं? मैं चाहती हूँ कि वही काम को आगे बढ़ाऊं ताकि मेरी भी इनकम निकल जाए मंथली टाइप। अच्छा ठीक है, तो इससे दो चीज है, जहां पर भी हम आपने कपड़ों का बोला ना, कपड़ों का कपड़े भी दुकान, है, कॉस्मेटिक की दुकान, दोनों मिक्स है। बिल्कुल। तो बहुत जगह पे ये हमने देखा है कि जहां पर भी फैमिली बिजनेस होता है, परिवार का बिजनेस होता है, तो एक परिवार से एक इंसान जो रहता है वो दुकान में बैठते हैं,
ठीक है। और एक परिवार का जो इंसान होता है वो मार्केट रिसर्च में जाते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ मार्केट रिसर्च, ये लैंग्वेज बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि आप आसपास के दुकान है, होलसेल है, रिटेल वाले हैं, सेल्स वाले हैं, वहां तक आप पहुंचे। तो मैं आप जब सलून चला रहे थे तभी आपके कुछ कस्टमर्स होंगे, वो तो आते हैं मेरी दुकान पे। हाँ बिल्कुल आते हैं। तो हाँ। मैं वही बार बार आपसे अनुरोध करूंगा, आप उन कस्टमर्स के थ्रू उनको तो सर्विस दीजिए, कॉस्मेटिक के सामान, कपड़ों के सामान उनके तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक ट्रस्ट बना हुआ है, वो आपको भरोसा करते हैं सालों से। तो वो उनको डर नहीं है कि वो आपसे ठगेंगे, ठीक है। तो उसी कॉन्फिडेंस का, उसी विश्वास का थोड़ा बहुत फायदा लेके आप उनको अपने सामान उनके तक पास करिए, और उनसे उनके रिश्तेदार, उनके जो दोस्त हैं, उनके तक पहुंचाइए। तो ये हमेशा हमने देखा है कि कोई भी फैमिली बिजनेस अगर होता है, और मोस्टली किराने के दुकान, कपड़ों के दुकान में ये ज्यादा होता है फैमिली बिजनेस, तो फैमिली का एक इंसान वहां पर दुकान में बैठे और एक इंसान मार्केट रीच के लिए जाए, जो कि कस्टमर्स तक पहुंचे, क्लाइंट तक पहुंचे। क्योंकि कोई भी बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होता है कि आप जल्दी से जल्दी जो स्टॉक खरीद के लाते हैं उसको बाहर पहुंचाएं। हाँ जी, थोड़ा म्यूट कर दें कोई अगर, थोड़ा म्यूट कर दें। हाँ मैं कर रही हूँ सर म्यूट। हाँ हाँ, तो मैं वही बोल रहा था आपको कि बिजनेस में सबसे बड़ा चीज जो होता है कि आपके दुकान पे सामान कभी रहना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सबके लिए है, कोई भी चीज आप अगर खरीद के ला रहे हो स्टॉक से, तो वो आए और वो फटाफट वहां से निकलता जाए, तभी क्या होगा ना, वो सामान आपके लिए पैसा बनाएगा। तो अगर सामान को आप दुकान से बाहर निकालना है तब आपको भी बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको भी कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आप सामान को वहां तक पहुंचाओगे। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है? मीना राठौर जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं क्या? जी मैम। सर मैं ये बोल रही थी मैम कि जैसे अब इस समय पे पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, और कस्टमर्स भी नहीं, थोड़ा सा बहुत रुक रुक के आ रहे हैं, तो उन्हें डर भी लग रहा है कि हम जा रहे हैं, हम कुछ ऐसा ना हो वैसा ना हो, तो कुछ ये सिस्टम भी हो गया है, और फिर उस एवज में फिर हम लोग कैसे करेंगे? अच्छा, ये आप सलून की बात कर रहे हैं? जी जी हाँ। तो देखिए, अभी अभी जैसे जैसे चल रहा है, अभी तो पूरा भारत खुल गया है, ठीक है, एक दो जगह से तो मैं खुद भी देख रहा हूँ, ठीक है। अभी मतलब अगर आप सलून की बात दें तो और थोड़ा समय दें, उस समय पे अभी जैसे नवरात्र हो रहा है, उसके बाद आएगा, और अभी तो फेस्टिवल के सीजन शुरू हो जाएंगे आपके नवम्बर से, तो धीरे धीरे क्या लोग फिर से अपने लाइफ स्टाइल में वापसी करने लग जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से तो हमने ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि लोग इस पे जाएंगे नहीं, और ये तो सर, हाँ, तो सर इसमें मैं जैसे कुछ मतलब कॉस्मेटिक का सामान भी ऐड करूं तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आपके दुकान के लिए सबसे बढ़िया क्या है वो आप ही बता पाएंगे, ठीक है, मैं कभी नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको बस एक जरिया बता सकता हूँ कि ऐसा करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। बहुत जगह पे हमने देखा है, मैं खुद अभी ओडिशा से आया हूँ, मैं रायपुर में देखा हूँ, वहां पर भी सलून बंद थे, तो लोगों ने सलून के जगह पे वहां पर राशन की दुकान खोल दी, ठीक है। दीदी क्या करती थी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी चावल ला ला के रखना शुरू कर दिए, और कोरोना के चक्कर पे लोग बाहर नहीं जाते थे, सबका कोशिश यही था कि घर के पड़ोस से ही कुछ ले लें सामान खरीद लें, ठीक है। तो सलून को ही उन्होंने छोटा मोटा किराना स्टोर बनाते हुए उन्होंने काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और लोग डर के मारे आपके पास वाले घर से ही आपके दुकान तक आते थे और छोटा मोटा सामान खरीद के आपके पास से ले जाते थे। सर तो सैलून को ही उन्होंने किराने की दुकान बनाई, पूरा किराने की दुकान बना दी, क्योंकि सैलून तो चल नहीं रहा था, सैलून तो बंद थी, ठीक है।
तो लेकिन yes, आपके पास तो स्पेस पड़ा है कुछ नहीं, तो 10x20 का तो जगह तो पड़ा है, 10x20 के जगह पे आप कुछ नहीं तो 1000 kg चावल रख सकते हैं। नहीं सर, अब एक्चुअल में मेरी रेंट की वो है शॉप, तो जब मेरी रेंट की शॉप है और वो मेरे घर से काफी 3 किलोमीटर दूर भी है, प्लस अब वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है, तो उस ऑप्शन में अब जब ये सिस्टम है तो उस ऑप्शन में ये वाली बात नहीं हो पाई थी ना, तो मेरा तो बंद ही रहा सैलून। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन ये वाली बात का मतलब कि मतलब आपने कोशिश किया था इस टाइप का कोई काम किराने के लिए या फिर वेजिटेबल किराने के लिए? नहीं सर, जैसे मेरे पास में एक लड़की थी उसके पास मोमोज जैसे बनाती थी वो, तो मैंने उसका वो सिस्टम किया था कि मतलब वो सेल आउट करने के लिए कि वही वो 100 के 100 बेच रही है, तो फिर हमने ऐसे करके थोड़ा सा किया था कि थोड़े 10-20 फालतू करके, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई थी इसलिए मैं बता रही थी। हाँ वो इसलिए भी नहीं हो पाई थी क्योंकि आपने पूरा कोरोना काल में उसको खोला जबकि लोग बाहर का पानी नहीं पी रहे थे तब। नहीं कोरोना काल में नहीं सर, कोरोना काल में नहीं, उसके बाद जैसे जब सैलून खुलने लगे उसके बाद जैसे अब धीरे धीरे सर अब कोई आ ही नहीं रहा लगभग, तो बहुत दिक्कत हो रही है फिर ऐसे में। अब सैलून का तो किराया है ही है, सारी बात है कि सैलून तो किराया तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा सैलून, अच्छा मतलब आपने उसको मोमो का स्टोर टाइप से उसको कन्वर्ट किया था छोटा मोटा जो कि लोग वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, यही है ना? मीना जी आपका म्यूट हो गया है। हेलो मैम जी, मैं पिंक की रानी, मुझे कुछ पूछना था। हेलो मैम। पिंकी जी एक मिनट रुके, मीना जी का सवाल होने दीजिए फिर आप पे आते हैं हम। हाँ ठीक है, हमें बस एक मिनट दीजिए। ओके मैम। हाँ मीना जी बोलिए। ओके मैम, मैं ये कह रही थी मैम कि जैसे अब उस टाइम तो मैंने नहीं किया, फिर उसके बाद जैसे सेल आउट नहीं हो रही, अब जैसे कस्टमर जैसे आ रहे थे तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे, तो उसमें ये वाली बात नहीं हो पा रही थी। अच्छा नहीं नहीं वो बिल्कुल आई एग्री, ऐसे केसेस हैं बहुत जगह पे, ऐसे केसेस थे कि लोगों के जब मेजर रेस्टोरेंट्स ही नहीं चल रहे थे और लोग वहां तक पहुंचे नहीं थे। ठीक है, इसमें एक दिक्कत ये हो सकती है कि मतलब आपने सडनली एक सलून से एक मोमो की तरफ, मतलब एक लाइफस्टाइल मेंटेनेंस से एक इटरी की तरफ, फूड इटरी की तरफ आपने मूव किया, तो लोगों को वो प्रैक्टिस पता ही नहीं हो सकता है, वो दिक्कत भी हो सकती है कि लोगों को पता ही ना हो कि इस टाइप का कुछ चल रहा है वहां पर। ठीक है, तो वो भी दिक्कत हो सकता है, इसलिए भी शायद आपका फुटफॉल कम हो सकता है, मतलब आई एम नॉट श्योर इसको इतना कंफर्म और इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। वही जब भी आपने ये वाली बात रिप्लाई वो की कि उन्होंने डायरेक्ट सैलून से किराने की दुकान खोल दी, तो फिर कस्टमर कैसे, अब वही है कि किराने सैलून पहले था, पहले सैलून होने के बाद में अगर डायरेक्ट अगर सैलून की दुकान के बाद में अगर किराने की दुकान होती है तो फिर शायद ही मतलब लोगों को ये होता है कि हाँ मतलब हम लोग सैलून की दुकान पे जा रहे हैं या किराने की दुकान पे जा रहे हैं। नहीं इसमें दो चीज है, मैं बोलना चाहूंगा दो चीज है कि इसमें एक चीज तो पहला चीज तो ये है कि जब उन्होंने किराने की तरफ मूव किया, ठीक है, पहले तो वहां पर उन्होंने ये भांप लिया कि लोगों के पास किराने की कमी है, ठीक है, राशन की कमी है, और लोग अभी डर के मारे ज्यादा दूर जा ही नहीं रहे, कोई कोशिश भी नहीं कर रहा कि 100 मीटर से दूर जाए, तो उस चीज का फायदा उठाते हुए भी लोगों ने वहां पर लाकर रखा। तो सर ये तो ये हो गया कि उन्होंने अपने प्लेस का इस्तेमाल किया। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ, उन्होंने अपने प्लेस का इस्तेमाल किया। नहीं मैं और भी यहाँ पर एक दो चीजें बोलना चाहूंगा जो मुझे लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो प्लेस का जैसे आपने बोला रिसोर्स का तो यूज किया ही किया, दूसरी बात ये है कि वहां पर लोगों को राशन की जरूरत ज्यादा पड़ी थी। ठीक है, उस टाइम पे तो ऑब्वियसली चौमिन हो मोमोज हो ये जो स्ट्रीट साइड फूड्स हैं उस पे कंजम्पशन कम हो गया और लोग ज्यादा से ज्यादा राशन की तरफ ही गए और लोग खरीद खरीद के अपने घर पे जमा कर रहे थे राशन। ठीक है, तो वो एक जरूरी था कि हम कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं,
मैं उस टाइम पे भी जो मैंने बोला था कि कौन सा प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके जा रहे हैं उस समय के लिए, ये दूसरा है, ठीक है। तो ये भी है कि राशन वर्सेस मोमोज वाला गेम भी हम सोच सकते हैं कि क्या लोगों को उस समय पे सबसे ज्यादा जरूरी लगा। तीसरी बात जो है कि व्हाट्सएप का बेहतरीन उपयोग किया है लोगों ने उस समय पे। लोगों ने अपने दुकान का फोटो भेजा साफ सफाई करके, लोगों ने अपने ग्लोव्स लगा के फोटोज भेजे कि हम चावल हो दाल हो कुछ कुछ भी नहीं छू रहे हैं, हम पैकेट नहीं दे रहे हैं, हम आपको खुला में दे रहे हैं। जो आप अगर 10 केजी का आटा नहीं खरीद रहे हो, 2 केजी का आटा भी खरीद रहे हो कम पैसे में, वो भी हम देंगे, लेकिन हम ग्लोव्स पहन के देंगे। तो इस टाइप से कुछ फोटोज भी व्हाट्सएप में उन्होंने अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को भेजा, ठीक है। तो ये भी अच्छा चीज हमने देखा कि लोग जिसके पास पैसा कम है वो 10 केजी ना खरीद के 2 केजी या 5 केजी भी दे खरीद रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें व्हाट्सएप पे भी लोगों ने इसका बेहतरीन उपयोग करके भी अपने बिजनेस को उस टाइम पे खड़ा कर दिया। सर अब पिंकी रानी का क्वेश्चन लेते हैं, वो काफी देर से वेट कर रही है। पिंकी जी बोलिए। यस मैम, नमस्ते सर। सर मैं आपके ये स्टार्ट, मैंने आज आपकी फर्स्ट टाइम ही वीडियो देखी है। तो मैं पार्लर का काम पहले बाहर करती थी, अब अपने घर पे ही करती हूँ दी, बच्चों की वजह से। तो मेरा पार्लर अब कम चल रहा है, तो मुझे सिलाई भी आती है और उस पीको का भी काम आता है, सिलाई भी, कपड़े भी अच्छे से सिलती हूँ। आंगनवाड़ी का भी कोर्स किया हुआ है, तो इसलिए तो मुझे क्या करना चाहिए जी? और रिटेल भी किया जा रहा है। हेलो, हाँ हाँ पिंकी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो मैं जैसे बार बार पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी वही बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ठीक है। आप ही ने खुद बताया कि आपको सिलाई का काम आ रहा है, आपने खुद बताया कि रिटेल का काम आ रहा है, आप खुद बताया कि आंगनवाड़ी के भी कोर्सेस आपने कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन सर आंगनवाड़ी का कोर्स किया हुआ है ना, मैंने गुड़गांव से किया था, तो फॉर्म का पता नहीं लगता मुझे, जैसे फॉर्म निकलते है ना, तो वो पता नहीं। फॉर्म की बात भी नहीं है, मैं आंगनवाड़ी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत लोग आंगनवाड़ी की कोर्स ट्रेनिंग करके फिर से नर्सरी की सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, एज ए नर्स सपोर्ट, ठीक है। जो बेड साइड असिस्टेंट बोलते हैं उसको, स्किल डेवलपमेंट के शब्दों में उसको मेडिकल बेड साइड असिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फूड न्यूट्रिशन सैनिटेशन हाइजीन ये सब के बारे में आपको नॉलेज है, पता है। तो उस टाइप से भी स्किल डेवलपमेंट के कुछ कुछ एजेंसी डायरेक्टली लेते हैं और उनको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में, ऐसे जगह पे भी उनको अपॉइंट करते हैं। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली नर्स, नर्स नहीं है कहा जाता, लेकिन बेड साइड असिस्टेंट या बेड साइड अटेंडेंस के हिसाब से वहां पर भी सक्षम होता है और ये कोर्स को वहां पर रिकॉग्निशन मिला है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात जो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप खुद मुझे तीन आपके स्किल्स गिना दिया, सिलाई को लेकर गिना दिया आपने इस, और दो तीन चीजों को रिटेल को लेकर भी गिना दिया, बट आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ ये स्किल्स को आइडेंटिफाई करके आपको जैसे उस पीपीटी में जो से प्रेजेंटेशन में हमने बताया था वो जो 6 स्टेप्स हैं कि स्किल्स को देखिए, ये स्किल्स की जरूरत को देखिए, लोगों को आपकी स्किल्स की जरूरत है क्या, आपके वहां पर कितना मार्केट है, कितना सिलाई के दूसरे दुकान है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। हाँ बोलिए। दुकान तो बहुत ज्यादा है सर, मतलब घर घर में सिलते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट बाहर ज्यादा है, लेकिन मैं बाहर तो दुकान कर नहीं सकती क्योंकि बच्चों की भी को भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं देखिए, ये जो टेलरिंग वाला है ये सब घर पे आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर पे बस आपका थोड़ा दिक्कत रहता है स्पेस का मैनेजमेंट का, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल आपको लाके स्टॉक रखना पड़ता है, ठीक है, तब वो जगह का बहुत थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन बट दैट्स नॉट ए सीरियस प्रॉब्लम, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मतलब मैंने तो गांव-गांव देखा हूँ, पूरा गांव-गांव यही काम करते हुए भी मैंने मध्य प्रदेश में देखा हुआ है, तो इससे ज्यादा मैं कुछ चकित नहीं हूँ। ये आप घर पे इसको कर सकते हैं। एक बार बस मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आपको अगर लगता है कि आप सिलाई अच्छे से कर सकते हैं, सिलाई चलेगा,
तो आपको ये आइडेंटिफाई करिए कि आपको ये कॉन्फिडेंस है क्यों। केवल आपको सिलाई आता है इसलिए कोई आपके पास नहीं आएगा, अगर आपके आसपास में बहुत सारे दुकान है तो। आपको और भी देखना पड़ेगा कि आप अगर कोई सामने वाला 120 रुपए में सिल रहा है तो क्या आप उसको 100 रुपए में सिल के दे पाएंगे उसी क्वालिटी का। हाँ जी ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राइस को भी कम ऊपर कम नीचे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है, और हाइजीन को भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपका घर, आपका जो परिवेश, जहाँ पर कोई भी कस्टमर जब आपके अपना नाप दे के जाएगा टेलरिंग के लिए तो उसको लगना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल में लोगों को हाइजीन का बड़ा ज्ञान हो गया है, ठीक है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ साफ सुथरा दिखने लगे, तो वो सारी छोटी मोटी चीजें भी आजकल लोगों के दिमाग में बैठने शुरू कर दिए हैं। और सलून में हो गया, टेलरिंग में हो गया, खाने पीने के कारोबार में हो गया, ये सब में ये ज्यादा है। आप जितना साफ सफाई रखेंगे, एक सिंपल सा नो हैंड सैनिटाइजर रख देंगे, मास्क पहन के काम करेंगे, तो जो सामने वाला कस्टमर आता है उसके दिमाग में बैठता है कि मैं इसके दुकान में जाऊंगा तो ज्यादा सुरक्षित हूँ। तो आज के समय पे लोग पैसा थोड़ा ज्यादा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको एक डर है कि मैं साफ सुथरे जगह पे जाके बात कर रहा हूँ। तो मैं सारे दीदियों से, सारे बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कृपया सैनिटेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी भी वो चीज बैठा हुआ है कि यहाँ पर मुझे ज्यादा साफ सुथरा चीजें मिल रहा है, ज्यादा साफ सुथरा परिवेश मिल रहा है, तो इस पे भी ज्यादा थोड़ा सोचने की मतलब जरूरत है।